आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ जो नेपाल की जो मेन साइड है उन्होंने कहीं ना कहीं 2 मैचेस खेले, जो कि एक अच्छा मूव था कि 2 मैचेस ए साइड के खिलाफ खिला कर कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखी जाए और प्लेयर्स को जो है बिजी रखा जाए उस लिहाज से। अब इस आयरलैंड वॉल्स की इस 2 मैच की सीरीज से कितना कुछ टीम को गेन हुआ है, कितना कुछ चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, या फिर कितना कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न भी रही हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें इस 2 मैच की सीरीज से टीम गेम करने में कामयाब रही है, इसके बारे में कहीं ना कहीं छोटे से डिटेल में आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें, अगर आप कंपिटेटिवनेस के लिहाज से देखें तो नो डाउट ये हम और आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल भी कंपिटेटिवनेस जी तो हाँ, रही बिल्कुल नहीं है इस दो बिल्कुल मैचेस में। आयरलैंड वॉल्स के किसी भी डिपार्टमेंट ने हार्डली कोई नेपाल के प्लेयर्स का टेस्ट जरूर लिया जरूर होगा। अगर आप बॉलर्स को देखेंगे तो महज 11 विकेट वो गिरा पाए नेपाल के दोनों मैचेस मिलाकर, यानी कह बिल्कुल सकते हैं कि सिर्फ एक ही बार ऑल आउट किया, 1 विकेट एक्स्ट्रा आप उसमें जोड़ दीजिए, और उसमें भी 11 विकेट गिराते गिराते उन्होंने 320 रन करीब करीब खर्च बहुत कर डाले, ज्यादा तो बहुत बहुत सारे रन ज्यादा खर्च कर डाले। लाइन और रन भी काफी खराब नजर आई, एक्स्ट्राज भी उन्होंने नो बॉल भी काफी दी गई, नो बॉल जी पे हाँ चौके भी चले गए, तो बहुत सारे एक्स्ट्राज वगैरह भी रन में काफी लुटाए हैं। तो 320 रन करीब करीब खर्च कर महज 11 विकेट आयरलैंड निकाले, तो इससे कहानी पता चलती है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट तो किसी भी सूरत में आयरलैंड नेपाल के बैट्समैन का टेस्ट लिया नहीं है, और नेपाल के बैट्समैन ने भी कुछ खासा नेपाल की बॉलिंग का टेस्ट लिया नहीं है। हम एक आध स्टेफन डोहानी की एक आध इनिंग, दोनों मैच में थोड़ी थोड़ी इनिंग को अगर हम छोड़ दें तो कुछ खासा हमें जी देखने को हाँ मिला नहीं, तो टेस्ट के लिहाज से कुछ खासा टेस्ट आयरलैंड वॉल्स ले नहीं पाए, नहीं बॉलिंग से ना ही बैटिंग से। और उस तो कंपिटिटिवनेस के लिहाज से तो कुछ खास यहाँ पर टीम को मिला, लेकिन एक चीज जरूर मिली है वो है लगातार जो मैचेस का फ्लो है वो बना हुआ था। नहीं बिल्कुल, और उम्मीद भी रहेगी। और आप फिर आप 31 तारीख से फिर नेपाल की जी जो हाँ, सीनियर साइड है 4 दिन ही वो बचा है बस। बिल्कुल इंडिया का दौरा करती हुई नजर आएगी, यहाँ पर आएगी, जी फिर हाँ, ये खेलेगी मैचेस। पर बिजीनेस रखना बहुत बेहतर है, जिस तरीके से रखा जा रहा है मैनेजमेंट इसका ध्यान बहुत अच्छा रख रहा है कि सीरीजेस मैचेस काफ़ी हद तक प्रोवाइड कराए जाए। और सुनने में आया है कि मॉन्टी देसाई सर ने भी कहा है कि अभी हम रिलेशन में हैं, कुछ टॉक चल रही है, जी हमारी हाँ कुछ नेशन से बात चल रही है, शायद देखिए मई में भी हम कुछ इंतज़ाम कर सकें, खेल सकें वर्ल्ड कप से पहले पहले, ये उन्होंने कहा है ऐसा। तो उम्मीद रहे कि जितना बिजी रहेंगे अच्छा है, प्रीमियर कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट भी आ जी रहा है हाँ उसके लिए भी बहुत तैयारी चाहिए, लेकिन टीम जो है तैयारी ज़रूर कर ले। बिल्कुल सही कहा, यानी इतना क्लियर है। देखिए जब जो इससे इस साल से पहले की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा हम जो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशराइज करते थे कि गेम्स जी नहीं मिल हाँ, रहे, महीने महीने मैचेस नहीं मिल बैठे रहे। रहते थे जी हाँ, प्लेयर, महीने महीने प्लेयर्स बैठ रहे, बिल्कुल जरूर यार हमने आप सबको। देखा, और इस बात पे इस मुद्दे पे हमने वीडियो भी बनाया था, और जी कई बार हाँ ये जरूर, चीजें कही भी थी कि बहुत लंबे वक्त तक प्लेयर्स बैठे रहते हैं, ये कम से कम ना आप बिजी रखें। तो इतना जरूर है प्रीमियर कप और T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, यानी 1 जुलाई को अगर आप मान के चलिए, या फिर जब जहां तक सफर जाता है स्टेट का, जब जरूर नेपाल जरूर का, यहाँ जी पे हाँ नेपाल की बात कर रहे हैं, तो जाता है, तो इतना जरूर है कि एट द एंड टीम का परफॉर्मेंस अगर खराब होता है, इन केस मैं कह रहा हूं अगर खराब होता है, अच्छा होता है तो भी क्रेडिट जाएगा, और खराब होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम सबसे लास्ट में जाएगा। जी हाँ जरूर क्रिकेट जरूर बोर्ड की यहाँ पर कोई गलती नहीं होगी, क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा मैचेस कराए हैं, लगातार मैचेस वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर कंप्लेन नहीं जाएगा अगर टीम के परफॉर्मेंस की कुछ खराब होते, अगर कुछ खराब वराब होता है तो एट द एंड। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर हम देखें तो इस लिहाज से क्रिकेट बोर्ड ने काफी बेहतर काम किया कि लगातार लोगों को बिजी रखा और लगातार वो मैचेस कराया जा रहा है, अभी भी उम्मीद है कि मई में भी हमें कोई ना कोई सीरीज जी हाँ देखने जी को हाँ मिलेगी। चलिए तो उसी में एक पहल था ये 2 मैच की, 2 मैचों के लिए नेपाल की साइड, नेपाल की साइड को आयरलैंड के खिलाफ भिड़ाना। अब यानी सीरीज में जो कुछ घटा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो उस लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर जगह बना पाए 2 मैचेस में? जरूर, कंसिस्टेंसी के लिहाज से अगर हम देखें तो कुशल गुरतैल ने रन्स किए हैं यहाँ पर इस 2 मैचों में, वहीं संदीप जोरा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है उसकी भी तारीफ करनी जी हाँ होगी। कुशल मल्ला ने अपना थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाया ऑलराउंड, एक मैच में उन्होंने विकेट से, बॉलिंग से, और जी एक हाँ मैच में उन्होंने बैटिंग से जो अप्रोच दिखाया वो शानदार है। एक दूसरा वाले मैच में तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही उन्होंने जी अप्रोच हाँ दिखा और दिया, पहले मैच में तो बैटिंग की आई भी आए नहीं। भी नहीं थी, आती तो शायद हमें फिर से नजर आते। जी उसके बाद गुलशन झा ने जिस तरीके से पहले मैच में 2 विकेट निकाले और दूसरे मैच में 46 रन उन्होंने जो बनाए मिडिल में आकर, जी सेकेंड डाउन आकर बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छे रन्स भी किए, अच्छे तरीके से भी खेले। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जिनका परफॉर्मेंस जो है इन दो कंसिस्टेंसी रही, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हैं इन 2 मैचेस में अगर हम बात करें। बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखें कुशल गुरतल को भी पहले में शायद 30+ मार्क, 37 करीब थर्टी करीब सेवन नॉट आउट परसेंट टीम को जीत के ले गए, तो सेकंड मैच में उन्होंने 25 25 किए, शुरुआत तो कम से कम उन्हें जरूर मिली है। तो यही कहीं ना कहीं हाल रहा है इन 4 प्लेयर्स का। ये 4 प्लेयर मोस्ट कंसिस्टेंट रहे, यानी पहले गेम में और दोनों गेम में, दोनों ही गेम्स में इन्होंने जी अपनी तरफ हाँ से परफॉर्मेंस देकर इंप्रेस करने में और टीम में कॉन्ट्रीब्यूट करने में पूरी तरह से अपनी जान जरूर लगा दी।
कंसिस्टेंसी में ये रहे हैं। दूसरे पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो संदीप जोरा का जो रेगुलर परफॉर्मेंस है वो तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है कंसिस्टेंसी पे, लेकिन एक चीज और देखने को मिली इन दो मैचेस में वो था कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने रोल को स्विच भी कर सकते। बिल्कुल, ये अभी जैसे कल भी अदालत में आपके सामने कहा था, अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये चीज कहना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सिर्फ इन दो मैचेस की बात कर रहे हैं, तो इन दो मैचेस में अगर आप देखेंगे तो हमें दिखा है जब पहले मैच में जब पार्टनरशिप लगाई कुशल के साथ आराम आराम से लेकर शुरू में एक दो गेंदों में वो खराब शॉट खेलने की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल किया और एक पार्टनरशिप बिल्डअप कर फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज में उन्होंने कुछ हिटिंग कर टीम को अच्छे खास स्कोर तक ले गए, आउट ऑफ डेंजर ले गए कहने का मतलब ये है। लेकिन उसके बाद अगले मैच में कल जब कहीं ना कहीं कुछ 10 बॉलों में 21 रन लगा दिए लगभग 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन रन्स के तो वो रोल भी वो निभा रहे हैं और एक पार्टनरशिप बिल्डिंग का रोल भी उन्होंने निभाते हुए नजर आए इन दो मैचेस खास करके बात कर रहे हैं तो वो एक स्विच वाला जो रोल है सिचुएशन के हिसाब से वो संदीप जोरा की बैटिंग में देखने को जरूर मिला है वो एक और पॉजिटिव साइन टीम के लिए जरूर यहां पर रहेगा। उसके बाद एम अब ऐसा नहीं है कि सब चीजें बेहतर हुई हैं, कुछ कंसर्न्स भी यहां है, उसमें से एक कंसर्न ओपनिंग में ही है जरूर आसिफ शेख का जो थोड़ा सा रन्स ना निकलना है थोड़ा सा खराब तरीके से भी वो आउट हुए। पहले मैच में हमने देखा किस तरीके से वो स्लॉग स्वीप मारने जा रहे थे, उससे पहले वो काफी बाउंड्रीज लगा चुके थे। ऐसे नहीं है, अच्छे मेंटेलिटी के प्लेयर है वो, उनका कंसेंट्रेशन रहता है, लेकिन इस तरीके से बार बार जो हमें देखने को मिल रहा है ये तो मौके गवा दिए उन्होंने, बिल्कुल गवा दिए। तो बहुत कम मौका मिलता है आपकी जो फॉर्म है वो कब चली जाए कब आ जाए, तो उम्मीद करेंगे, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है कि रन्स भी वो निकालेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा रन्स T20 में उनसे दिखे नहीं है। ज़्यादा तौर पर अगर हम बात करें तो T20 में वो रन्स करते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन जब भी आए हैं काफी क्रूशियल टाइम बड़े बड़े मोमेंट्स पे आए जरूर, तो भूलना नहीं चाहिए, डेली क्रिकेट जरूर उन पर यकीन करता है, बस थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा धैर्य रखे। दो चौके दो तीन छक्के आ चुके हैं, आप खुद मार रहे हैं तो आपको अंदाजा है कि आप थोड़ा सा टिकने का वक्त है। आप जैसे प्लेयर को बताने की जरूरत नहीं है कि आप काफी जिम्मेदारी से भी खेलते हैं, सीनियर हो चले जिम्मेदारी से भी खेलते हैं, हमने खुद देखा है, लोग फैंस आपको देखते हैं, काफी जिम्मेदार प्लेयर हैं आप, तो इस तरीके से आउट होना खराब शॉट रैश शॉट से आउट होना ये जस्ता नहीं है आपके कैरियर पर। बिल्कुल, वहीं पर अगले एक और चीज की यहाँ पर बात करें अगर तो वो हो जाएगा अविनाश बोहरा। जी हाँ, अविनाश बोहरा को यहाँ पर दोनों मैचेस में मौके जरूर मिले, लेकिन वो अभी भी इंप्रेस करने में यहाँ पर कामयाब जरूर नजर नहीं आए, कुछ इकोनॉमिकल जरूर गए, लेकिन उसका भी क्रेडिट हमें कहना कि इसमें पहले ही कहा कि बैट्समैन जो आयरन बॉल्स के वो इतनी खासा अटैकिंग रहे नहीं है, तो अविनाश बोहरा को अपने थोड़े लेंथ पर काम करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि वो जो वो लेंथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक होल वाली या यॉर्कर वाली वो उसमें कंसिस्टेंसी हमें बहुत कम नजर आ रही है, उस कंसिस्टेंसी को उन्हें जल्द से जल्द लेकर आना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियर कप का वक्त आ रहा है। वहां पर यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ऐसे चलेंगी, लेकिन प्रीमियर कप जैसे इवेंट पर T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट पर अगर टीम आपके साथ कंटिन्यू करती है तो डेफिनेटली आपको ये चीज ठीक करनी होगी, लेंथ पर आपको काम करने की जरूरत है। एक और सीरीज आ रही है उस पर उम्मीद करेंगे कि लेंथ आपका बेहतर हो, क्योंकि जिस लेंथ पर आप डालना चाह रहे हैं उस पर आखिर जा क्यों नहीं रही है, उस लेंथ पर प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है और उसी लेंथ को ढूंढना होगा, वरना जो है एक्सपेंसिव के साथ साथ आप कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लाल रंग से भटकने वाले बॉलर भी नजर हो जाएंगे, तो लेंथ पर काम करने की जरूरत होगी। उसके बाद एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो बाकी बॉलिंग का क्या हाल रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसा हमने कहा भी था दोनों मैच में एनालिसिस में कि बॉलर्स को इतना रोटेट करने का कोई वो नहीं होना चाहिए, आप 6 बॉलर्स के साथ जा सकते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से जो पेसर्स हैं या स्पिनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक मैच भी अच्छा करते हैं फिर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा उन पर भरोसा दिखाने के लिए उन्हीं के साथ कंटिन्यू अगर आप रखें तो बस बेहतर होगा, अच्छा लगेगा कि प्रीमियर कप या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स पर मेनली बॉलर्स जो है आपके वो बहुत काम आएंगे और बहुत काम आएंगे अगर आप उन पर बिलीव दिखाएंगे, दिखा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, अविनाश बोहरा पर टीम बहुत अच्छा बिलीव दिखा रही है इसकी और उस बिलीव को कंटिन्यू बनाए रखिए। बिल्कुल, बस कंटिन्यू, वो अविनाश का काम है कि उन्हें ये एहसास का ये साबित करना होगा कि टीम जो मुझे मौके दे रही है उसमें मैं खरा भी उतरूं, बस ये उनको सोचना होगा, और लेकिन टीम जो कर रही है उनको भरोसा दिखा रही है, ऐसे ही साथी बॉलर्स पर भी भरोसा दिखाया, इतना ज्यादा रोहित पुढ़ैल आ रहे हैं, कुशल गुर्तैल आ रहे हैं और इसकी आदत लग चुकी है, आदत लगना ठीक नहीं है, चलिए 5 में से 2 बार आपने शायद कर लिया या कोई प्रीमियर कप आ रहा है तो उसमें मान के चलिए 6 मैच आपको खेलने हैं, उसमें कोई एक मैच में आपने शायद कर लिया है ऐसा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन इसकी आदत बना लेना कि दूसरे बॉलर्स को लेट डाउन फील कराता है कि शायद मेरे से ज्यादा उन बल्लेबाज पर भरोसा कर रहे हैं, और बल्लेबाज पर भी असर करता है यार, प्रेशर बढ़ रहा है, बैटिंग से भी करना है फिर बॉलिंग से भी करना है, काफी कम प्लेयर होते हैं जो दोनों को संभाल पाते हैं, तो बॉलर्स पर थोड़ा भरोसा रखें, जताएं 6 बॉलर्स के साथ जाएं तो बेहतर होगा। हाँ, अब
प्रीमियर कप का डे है, किसी का दिन खराब हो गया, वो हो गया, वो बात की बात है। हाँ फिर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विकेट चाहिए, विकेट की तलाश है, लेकिन बेवजह बे वक्त पर बार बार ये सब ट्राई करना, डेली क्रिकेट इसे चाहेगा कि ये ना। बिल्कुल सही कहा। तो बस यही सारी चीजें थी इस सीरीज से रिलेटेड जो हमें देखने को मिली, कई सारे पॉजिटिव चीज भी नजर आए जो हमने सामने रखे, और कुछ एक आध जो नेगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, कंसर्न नजर आए बस हम कहेंगे, वो जो अभी क्योंकि अभी भी प्रीमियर कप और ट्रेंड वर्ल्ड कप आया नहीं है, तो अभी तक ये कैंसिल कैटेगरी में, अभी नेगेटिव कैटेगरी में नहीं आएगा, अभी भी आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। और आप नेक्स्ट सीरीज की बात करें तो गुजरात और बड़ौदा के खिलाफ ट्राई सीरीज है, अभी देखना पड़ेगा कि गुजरात और बड़ौदा किस तरीके की जो अपने स्क्वाड है वो उतारते हैं। देखिए उनकी तीन तरीके की स्क्वाड्स है, सबसे पहले हम आपको सीधे सीधे बता दें, एक तो उनकी जो मेन स्ट्रेंथफुल जो फर्स्ट स्ट्रिंग साइड एक तो वही है क्योंकि तो काफी स्ट्रॉन्ग है, और कहने में ऐसा नहीं होगा कि एक अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम अच्छे टीम्स को भी वो T20 फॉर्मेट में आराम से मात दे सकते हैं, जो कि मेन सीनियर साइड है उसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो खेले। एक है सेकंड स्ट्रिंग साइड जहां पर कुछ उनके मेन प्लेयर्स हो और कुछ जो है बेंच प्लेयर्स वहां पर होते हुए नजर आ सकते हैं, और एक थर्ड स्ट्रिंग साइड है जो कि पूरी की पूरी बेंच स्ट्रेंथ साइड है जो कभी कभार ही हमें मेन उनकी इवेंट में खेलते हुए नजर आती है। अब इन तीन में से कौन सी स्ट्रिंग उतारने वाले हैं उसके बारे में बात आगे करेंगे, अभी तो काफी वक्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए टेलीविजन चैनल के साथ। ये रिपोर्ट थी इस दो मैच की सीरीज से जिन्होंने आपके सामने प्रेजेंट की, इसके बाद जो ए साइड वर्सेस आयरन वॉल्स की जो मैचेस हैं उनके एनालिसिस जरूर करेंगे आपके सामने, क्योंकि फिलहाल कुछ एशेट में जय नहीं कवर करने के लिए, तो चलिए इनके बारे में बात की जाए, कुछ होता तो जरूर उसके बारे में बात करते, लेकिन उसकी रिपोर्ट आपके साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन एनालिसिस जरूर प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।